असलम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासरीबा। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 5A का क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 5 इस लेक्चर में करेंगे। बाकी के जो लेक्चर हैं कंप्लीट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है देख सकते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस पार्ट ए जो है वो। अब देखें, ये जो 2 है, आप चाहें तो पहले इनसे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लें। दूसरा ये है कि ये जो 2 है इसको मैं यूँ लिखूँगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरह हमारे पास 2 4 8 हो गया, एक्स प्लस 3 जो है मेरे पास 4 आ गया। अब मुझे एक्स चाहिए, 3 फालतू है, तो इक्वल के जब उधर गया तो प्लस 3 से माइनस 3 में चेंज होके 1 मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, इसका पार्ट बी जो है 5 × x − 7 इज इक्वल टू माइनस 15 है, ठीक है। अब अगेन ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 5। 5 3 15, ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है। एक्स माइनस 7 किसके इक्वल आ गया, माइनस 3। एक्स इज इक्वल टू, ये जो माइनस 7 है जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 7 में से 4 3 गए तो पीछे क्या बचा, 4, और साथ साइन प्लस का लगेगा बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 3। तो आगे जी मेरे पास इसका पार्ट सी है। अच्छा, पार्ट सी में है जी 7 × −2 x + 4 − 2x + 4 इज इक्वल टू −4x, ठीक है, −4x। अब क्या है, इस 7 को पहले इस, अब देखो यहाँ जो है ये 5 इधर जा हमने जाके डिवाइड कर दिया था, ये 7 हम इधर जाके डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि 7 का टेबल 4 पे नहीं जाता। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 हो जाएगा, और दूसरी तरफ −4x हो जाएगा। अब ये देखो −14x, ये −4x जब इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, और उधर जाके +28 हो गए। अब देखो 14 में से 4 गए तो पीछे कितने बचे, 10x बचा, साथ साइन माइनस किया, और इधर जाके हमारे पास क्या आ गया जी, 28। अब ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 10, साथ साइन माइनस का लगेगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा जब डिवाइड करोगे 2.8 आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 2.8 आ जाएगी। आप चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं, 28 को अगर डिवाइड करें 10 से, 10 2 20, पीछे क्या बचेगा 8, तो x इज इक्वल टू 28/10, और इसको फिर कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 4 और 2 5, तो x की वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 −2 4/5, इस तरह चाहें तो इस तरह भी शक लिख लें। अब हमारे पास आ जाएगी पार्ट सी के बाद हम पार्ट डी को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, पार्ट जो डी हमारे पास 3 2 − 0.4x इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 का टेबल 18 पे जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 18 के नीचे डिवाइड हो गया, माइनस तो नहीं है, प्लस है, ठीक है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 3 6 18 आ गया, ठीक हो गई। अब हमारे पास आ गया जी 2 − 0.4x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, 2 − 6 इज इक्वल टू 0.4x, ये जो था −0.4x उधर जाके प्लस हो गया, ये +6 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ क्या बचा, −4 हो गया, और इधर क्या आ गया हमारे पास, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, यानी पॉइंट के नीचे 1, आगे कितने नंबर थे 1, तो 1 0 लग गया। अब −4 × 10/4 इज इक्वल टू x। अब ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन में है, 4/10 जब इस तरफ जाएगी तो फ्लिप हो जाएगी, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला 4 मेरे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, −10 इज इक्वल टू x, तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू −10। तो इस तरह मेरे पास x इक्वल टू −10, ये क्या है, −10 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू −10 आ गई, डी पार्ट हो गया। अब आप वीडियो को पास करके ये उतार लें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके पार्ट करते हैं।
जी क्वेश्चन फोर का पार्ट है हमारे पास जी ई, क्वेश्चन फोर है पार्ट है हमारे पास ई। अच्छा ई में है जी थ्री यानी टू इंटू टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट टू इक्वल है जी 4.6 के, इक्वल है 4.6 के। 2x माइनस 2.2 इज इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई 2। ये जो 2 इस पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया और साथ ही कैंसिल हो जाएगा। 2 टू ज़र 4 और पॉइंट ऊपर और 2 थ्री ज़र 6। तो 2x माइनस 2.2 इज इक्वल टू 2.3। तो 2x इक्वल का साइन 2.3, ये माइनस 2.2 जब उस तरफ गया तो प्लस 2.2 हो गया। तो 2x इक्वल आ गया, इनको ऐड कर लेते हैं 3 2 5 पॉइंट, इसी तरह 2 प्लस 2 4। अब ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। x इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 4.5 को 2 पे डिवाइड। 2 2 ज़र 4, पॉइंट ऊपर भी लगाया पॉइंट नीचे लगाया, 2 2 ज़र 4 क्या बचा 1, तो 2 5 ज़र 10। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 2.25 आ गई। पार्ट f है जी, f में है जी 4 और 3 बाय माइनस 4.1 7.6 3y माइनस 4.1 इज इक्वल टू 7.6 डिवाइड बाई 4। ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास 7.6 है इसे 4 पे डिवाइड कर, तो 4 1 ज़र 4, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट ऊपर भी पॉइंट नीचे और 6, 4 9 ज़र 3.6। तो 3y माइनस 4.1 इज इक्वल टू 1.9, यानी 4 का टेबल 7.6 पे 1.9 टाइम गया। अब 3y इज इक्वल टू 1.9 प्लस 4.1, ये जो हमारे पास 4.1 माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। अब अगर हम देखो 1.9 और 4.1 को ऐड करें, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला जाएगा, तो 4 5 और कितना आ जाएगा 6। तो 3y इज इक्वल टू 6.0 का मतलब 6 ही होता है, y इज इक्वल टू 6, ये 3 मल्टीप्लायर इधर जाके डिवाइड हो गया तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ये देखिए 3 के मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम गया तो 2 इसका आंसर आ गया। वीडियो को पास करके ये दोनों पार्ट उतार लें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। आई होप जी आपने ये उतार लिए होंगे। अभी हमारे पास आ गया जी पार्ट कौन सा किया था हमने, पार्ट ई एफ किया था, अब पार्ट जी है। पार्ट जो जी है, पार्ट जी में हमारे 3 2y प्लस 3 इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, पहले इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़र 6y। अब इस 3 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़र 9 और 4y प्लस 3। अभी देखो इधर मल्टीप्लायर इधर इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि इस वैल्यू को इधर डिवाइड करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं हो रही थी, मजीद कम्प्लिकेशन हो रही थी, तो इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। हम यानी ये करते हैं, हम जो आसान रास्ता होता है हम उसी को अपनाते हैं। अब ये देखो 6y है, ये जो y है इसको मैं y के पास जब लेके आऊँगा तो ये जो y है इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन था। ये y जब इधर आया तो ये माइनस का हो गया। अब इधर प्लस 3 है, ये जो 9 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 9 जाके माइनस 9 हो जाएगा। 6 में से 4 चले गए तो पीछे कितने बचे 2y, और इधर हमारे पास 9 में से 3 गए तो पीछे 6 बचे, और साथ साइन माइनस का लगेगा। माइनस का क्यों लगेगा, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 3। हमें y चाहिए तो 2 फालतू है, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये देखो जाके इसके नीचे डिवाइड हो गए, तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ गया। जी एच के बाद ये पार्ट एच आ गया जी। पार्ट एच में हमारे पास है जी 3y प्लस 1, 3 इंटू y प्लस 1 है इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 21। 4y माइनस 21 ठीक है। अब इस 3 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा,
3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन ज़र 3 हो जाएगा, 4y माइनस 21 हो गया। अब ये हमारे पास ऐसा है कि ये 3y, इसको y को इधर ले आओ तो माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 21 है, ये इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। ये 4y प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, 3 प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, 4y में से 3y गया तो जस्ट माइनस 1y बचा। क्या बचा जी? माइनस 1y, y बचता है, मैंने माइनस 1 लिखा है उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। माइनस 24 हो जाएगा, ये माइनस 24 क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था तो एडिशन हुई, साइन इसके साथ कोई नहीं था तो मतलब प्लस का साइन है, साइन का डिफरेंस था इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुई। अब ये जो माइनस 1 है ये जब इस तरफ जाके 24 के नीचे डिवाइड होगा तो माइनस और माइनस को क्या कर देगा, प्लस 24 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास प्लस 24 आ जाएगा जी। एच का, एच के बाद पार्ट आई की तरफ चलते हैं हम लोग जी। 3y प्लस 2, 3 y प्लस 2, 2y प्लस 4, 2y प्लस 4 अगेन 2, 3 को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले y से तो 3y हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 हो गया। अब देखो 3y हो गया, ये प्लस, ये जो y है जब इस तरफ आएगा तो 2y हो जाएगा, प्लस 8 है इधर, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो गया। 3y में से 2y गया तो सिर्फ y बच गया, 8 में से 6 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक हो गया जी, वीडियो को पास करके अब इन्हें उतार लें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव करने लगे। क्वेश्चन उतार लिया होगा, अच्छा जी। अब हमारे पास आ गया जी पार्ट आई कर लिया था, अब जे है, जे में जी 5 5y माइनस 6, 5 5y माइनस 6 ये पार्ट जे है, 5 5y माइनस 6, 4y माइनस 7, 4y माइनस 7 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25y, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 4 7 20 8 आ गया, तो -28 यानी पहले इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 5 6 30 सर, 5 6 कितना आ गया जी 30, 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 25y - 4y इज इक्वल टू -28 प्लस 30। अब ये जो 4y था इधर आके माइनस हो गया, ये -30 उधर जाके प्लस हो गया, 25 में से 4 गया तो पीछे हमारे पास कितना बच गया जी 21y, 30 में से 28 गया तो प्लस 2 आ गया, हमें y चाहिए 20 जो है 1 फालतू है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, उस तरफ जाके ये क्या हो गया जी डिवाइड हो गया। तो इस तरह हमारे पास 5 5 25 5 6 30 4 y 4 7 28। ठीक है जी, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, ठीक हो गया, यही वैल्यू हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जे है के बाद आगे जी के 3 2 3b माइनस 4, 2 3b माइनस 4, 5b प्लस 6, 5b प्लस 6 ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6b, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 ज़र 8, 5 को b से मल्टीप्लाई किया 5b, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 5 6 ज़र 30। अब ये देखें 6b, ये प्लस 5 में से इधर आके माइनस 5 हो गया, प्लस 30 इधर आके प्लस उधर जाके 8 हो गया, 6 में से 5 गया तो सिर्फ b बचा और ये कितना आ गया जी 38 हो गए जी। ओके, एल है जी हमारे पास 3 2c + 5 3 2c + 5 4 c - 3। अब देखो 3 2 ज़र 6c, 3 5 ज़र 15, 4 को c से मल्टीप्लाई किया 4c, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 6c, ये 4c इधर आके -4c हो गया, ये -12 है, ये +15 उधर जाके -15 हो गया, ये +15 उधर जाके -15 हो गया, 4c इधर आके -4c, 6 में से 4 गए पीछे कितने 2c बचा और यहाँ पे जी -20
सेवन, फाइव फोर टू सेवन वन पॉइंट, अब टू मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके माइनस 27 के नीचे टू डिवाइड हो गए, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है सी इज इक्वल टू माइनस 27 डिवाइड बाई टू, तो 27 पे टू को डिवाइड कर लेंगे, टू वन जर टू, ऊपर से क्या होता है सेवन, टू थ्री जर सिक्स वन, आप चाहें तो इसको यूँ लिख लें माइनस 13 वन बाई टू, या आप इसको जो भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू माइनस 13.5, कैसे पॉइंट, पॉइंट लगाओ नीचे जीरो, टू फाइव जर टेन, आप चाहें तो इस तरह लिख लें चाहें तो आप इस तरह लिख लें, दोनों आंसर में कोई मसला नहीं है, दोनों ठीक है, ये उतार लें। इसके लास्ट दो क्वेश्चन रह गए उनको हम कंप्लीट करते हैं। फोर का पार्ट एम एंड एम एम नाइन टू डी सेवन, नाइन टू डी प्लस सेवन, टू डी प्लस सेवन इज इक्वल टू अलेवन डी प्लस 14, अलेवन डी प्लस 14, ठीक है। नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया 18d, नाइन को सेवन से मल्टीप्लाई किया 63, अलेवन को डी से मल्टीप्लाई किया तो 11d, अलेवन को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 154 आई थिंक। यस 154 ही बनता है। अब क्या हुआ 18d 11d इधर आके माइनस 11d हो गया, 154 इधर आके प्लस 63 जो था उधर आके माइनस 63 हो गया, 18 में से 11 गया तो पीछे कितने बचे जी 18 7d, 154 में से 63 माइनस करो 1 बचेगा, पीछे क्या बचेगा जी 91, तो 91 आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए 7, डी 7 फालतू है तो डी जो 91 के नीचे 7 डिवाइड होगा तो डी इज इक्वल टू 13, सर 7 का टेबल क्या होता है 91 पे 13 टाइम जाता है। पार्ट एन, एन में एन जो है पार्ट एन, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5 7f माइनस 3 28f माइनस 1, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 5 7 35f, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 50, 28 को f से मल्टीप्लाई किया तो 28f, 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28। अब ये देखो 35f 28 जब इधर आएगा तो माइनस 28f हो जाएगा, ये माइनस 28 है, ये प्लस उधर जाके माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा, 35 में से 28 गए, पीछे कितने बचे हमारे पास जी 7f, और 8 में से 5 गए 13 बचा, 28 और 15, देखो जी 28 में से 15 को सबट्रैक्ट किया तो 8 में से 3 13 आगे ठीक हो गया, तो f इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 7। अब क्या कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि हमारे पास f इज इक्वल टू 13 बाय 5 है, जो कि एक 7 है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर अगर वैल्यू बड़ी हो नीचे छोटी हो तो इम्प्रॉपर होता है, उसको चेंज करना पड़ता है मैक्स या फिर डेसिमल में, 7 वन जर 7 6 बचा, तो f की वैल्यू हमारे पास 6 by 7, तो ये यानी जो ऊपर कोशेंट होते हैं वो साइड पे लिखते होते हैं, होल बना देते होते हैं, जो नीचे रिमाइंडर होते हैं वो डिनोमिनेटर बन जाते हैं, डिवाइजर डिनोमिनेटर बन जाते हैं। इस तरह हमारे पास जो पार्ट एन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हमने क्वेश्चन करने हैं जी इसका पार्ट 5, तो वीडियो को पास करके इनको उतार लें। फाइव ए का पार्ट है जी, जी फाइव, अच्छा फाइव रूल पार्ट फाइव में कह रहा है कि जी 1/3x इज इक्वल टू 7, पार्ट ए है, x को 1 से मल्टीप्लाई करो, नहीं बल्कि इस तरह मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई वैल्यू इधर फ्रैक्शन में हो वही वैल्यू जब उस तरफ जाती है तो फ्लिप हो जाती है, 1/3 जब उस तरफ गया तो 3/1 हो गए, तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3 वन जर 3, तो x इज इक्वल टू 7 3 जर 20,
वन पार्ट बी, थ्री बाय फोर सिक्स, थ्री बाय फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर बाय थ्री, अगेन फ्लिप हो गई, ये देखो थ्री बाय फोर थी उधर जाके फोर बाय थ्री हो गई, थ्री वन जर थ्री टू जर सिक्स, एक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई एट है। नेक्स्ट है वन बाय थ्री एक्स, वन बाय थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर, यस ये पार्ट सी है इसका। अब ये वन बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री, ये प्लस थ्री उधर सबसे पहले लेके जाएंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू उधर जाके इसमें माइनस होना है, वन बच गया। अब ये देखो एक्स वन मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय वन, यानी वन बाय थ्री उधर जाके फ्लिप हो गया, ये नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्स इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय थ्री वन जर थ्री, एंड अगेन थ्री वन जर थ्री। सी के बाद पार्ट जी इसका डी आ गया, वाई बाय फोर माइनस एट, वाई बाय फोर माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, वाई बाय फोर इज इक्वल टू माइनस टू प्लस एट, ये माइनस एट था उधर आगे प्लस हो गया, एट में से टू गए पीछे सिक्स बचे, एट इज़ ग्रेटर देन टू, सात साइन प्लस का लगेगा। सब्ट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि दोनों नंबर के साथ साइन का डिफरेंस था, जहाँ पे भी साइन का डिफरेंस हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। अब हमें वाई चाहिए, फोर फालतू है, फोर इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर होगी। डी, डी के बाद पार्ट इसका आ गया जी ई, ई में थ्री माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर वाई इज इक्वल टू टू, तो थ्री माइनस टू इज बल्कि माइनस वन बाय फोर वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, ये जो थ्री है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन बाय फोर वाई इज इक्वल टू फोर, थ्री में से टू गए वन बचा, क्योंकि साइन का डिफरेंस इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस कंसीडर होता है, थ्री में से टू गए वन, थ्री इज ग्रेटर देन टू, सात साइन माइनस का लगा, वन बाय फोर फालतू है इधर फ्रैक्शन में है उधर जाएगा, तो ये फ्लिप हो जाएगा, माइनस फोर है वो मल्टी उधर जाके माइनस फोर बाय वन हो जाएगा, ठीक हो गई, तो माइनस माइनस प्लस फोर वन जर फोर, तो फोर हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो ये वीडियो को पास करके उतार लें, इसका लास्ट पार्ट जो है एफ, ताकि वो भी हम कंप्लीट कर लें। इसका जी हमारे पास लास्ट पार्ट एफ है, 15 माइनस टू बाई फाइव वाई, 15 माइनस टू बाई फाइव वाई इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास हो गया जी माइनस टू बाई फाइव वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 15, प्लस 15 था तो उधर जाके माइनस 15 हो गया, टू बाई फाइव वाई इज इक्वल टू 15 में से 11 गया तो माइनस 4 है, हमें क्या चाहिए जी वाई, ये वैल्यू उधर जाके फ्लिप हो जाएगी, फाइव ऊपर चला जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, टू बाई फाइव फाइव बाई टू होगी, टू वन ज़र टू टू ज़र फोर, तो वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू फाइव ज़र टेन, तो वाई की वैल्यू टेन होगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन फाइव जो था वो कंप्लीट हो गया, ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है जी हमारे पास, क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले के जो लेक्चर है वो कंप्लीट किए हैं। इनमें अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अपना वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।